देसी पिज्जा बनवाई देखिपे ये गोटे प्लेट रे कौन अच्छी ना शुखिला लंका गुंड अच्छी लुण अच्छी चीनी अच्छी किछि जीरा अच्छी भुसुंगा पत्र अच्छी आउ प्याज अच्छी तो एतिक होची मेन इनग्रीडियंट्स जोटा कि आमको दरकार देसी पिज्जा बनवाई जमीक समस्त घर पिठौ थाए मैंने जमी बिरी पिठौ जोटा कहते से पिठौ थो तो से पिज्जा केमती करवा फटाफट घरे देसी पिज्जा जमी कौच एते टेस्टी लगे थे बनातु आगे आम रेड चटनी बनवा तो रेड चटनी जो इनग्रीडियंट्स अच्छे मुझे देखेदे एक्टा कौन करवा ना ग्राइंडिंग करदे सब गुड़ाक पकईदेक ग्राइंडिंग करवामें देखिपे सब भुसुंगा पत्र जीरा आखला लंका लुण चीनी आगे आम एति जिनस को ग्राइंडिंग करवापर आम नेक्स्ट जहाँ अच्छी पक ग्राइंडिंग करवा कहीं पिज अच्छी ना तो पिज पकईदे से छिड़बन तो फास्ट आम शुखला ग्राइंडिंग करदेलु तापर एमें कौन करना पिज आई अच्छी जो पिज चीनी एड करदेव कहीं इटा छिड़ी न था पिज छिमा भी छिड़ी न था से आम पिज को लास्ट रे ऐड करवा कारण पिज रु पा बाहर ना तो से जीरा आई छिड़बन भुसंग पत्र छिड़ी न था तो ये आम कौन करवा ग्राइंडिंग करदे भल भाव देखिपे मुझे देखे दूसरी आउ थे आगे फास्ट से ग्राइंडिंग कलापर ये पा देवे कारण पा दे छिड़ब एवं गोटे बाउल देखिपे ये अच्छी आमर पेस्ट जोटा ये अच्छी धनिया पत्र ये किसी कटा पिज ये देखिपे पनीर ये न्यूट्रेलर अच्छी बटर ये देखिपे येलो पेस्ट जोटा कि मुझे मटर आलू तरकारी को कसिकी कर आई देखिपे रेड चटनी जोटा बनइलु देखिपे चटनीटा के बढ़िया आ जो ह्वटा देखे आपटा हो बिरी पिठौ या बिरी पिठौ बिरी या पिठौ घर बना जाए से पिठौ तो ये आम मेन इनग्रीडियंट्स तो ये नहीं कि चलतु आम आम बनवा सेकेंड प्रोसेस तो जमीक मुझे कहली आप जो येलो चटनी जोटा मुझे न कले भी चलो किसी प्रॉब्लम नहीं देखिपे गोटे तावा को आम पूरा भल भाव गरम करदे तेल लगेदे ये आम रिफाइन लगे आप रिफाइन लगे बैटर तो रिफाइन आम भल भाव लगेदेलापर एवं कौन करवा ना से बैटर को दबा जोटा कि आमर अच्छी जो बिरी पिठौ जो अच्छे बिरी पिठौर बैटर बिरी पिठौ तो समस्त घर हो तो यहाँ से मैं जो बिरी पिठौ देलापर देखिपे पिठौटा को भल भाव एपट सेपट करदे जमी बिरी पिठा करती आपड़ सेमती बिरी पिठा भाया यहाँ हम बिरी पिठा करेंगे कितना जो आम इनग्रीडियंट्स दबा से हिं पूरा पिज्जा भाया लगे एत टेस्टी एत पिठा खाई कितु ये रेड चटनी बाला पिठा देखिए खा बहुत भल लगे तो ये आम कौन करवा पिठा उपदेव आमर बटर टिके देखिपे जोटा कि आमर कड़े सुंदर बटरटा को भल स्प्रेड करदे पूरा कारण तले आम रिफाइन देचु ऊपर आम बटर दूचु बटर देने यहाँ भल लगे आम यहाँ पूरा विदाउट चीज भी बनव किसी चीज दवा भी आवश्यकता ना आवा मैंने खुशी भी खाईपर जो मैंने कि डाइट कंट्रोल भी अच्छा से मैं भी बढ़िया किसी पड़बन ए सब भल जिन पड़ो देखते सी रेड चटनीटा अच्छी तो से रेड चटनीटा को आम कौन करवा ना ताको भल भाव से स्प्रेड करदे तो ये देखो रेड चटनीटा स्प्रेड कालापर मुझे कौन करना तापर से जो येलो चटनी देके प्याज और धनिया पत्र पकईदे और पनीर कोरा को देदीजे देखिपे आमको एकटा को फोल्ड करा पड़ा कहीं जब आम फोल्ड न करवा तो सब बाहरी जीव आमको फोल्ड करा पड़ो जेहेतु पिज्जा ओवन रे करा जाए तो ओवन आम तो करें आज नॉनस्टिक रे करूचु तो यहाँ को फोल्ड करदे फोल्ड करदे कौन हम ना भितर भल भाव आप चाहिए ये जगह चीज भी दे पारे जो मैंने चीज देवाक चाहूँ से चीज दे पारे बट एटा गोटे यूनिक स्टाइल आपड़ी करे करूँ के सुंदर लगे आखिर मुझे ये फोल्ड करदे फोल्ड कालापर एबे ताकू एपट सेपट करदे माने गोटे साइड हेलापर आ गोटे साइड करवा ना कंचा रही तो ये देखते कदमी पत्र आमर कौन कलु ना से पिठाटा काटदेलु जोटा कि आमर आम देसी पिज्जा कौच एमती आप घर बनातु ये गोटे यूनिक डिश आज मुझे शिखेली एत डिश आप कहलापर ये आम सैड्र टे रेड चटनी देदे कारण रेड चटनीटा सब बहुत टेस्टी रेड चटनीटा होता है आपको भल लगे सहित खाईपे एपटे आम कौन करवा ना ह्वैट चटनी जोटा कि आम घर बनाई अच्छी
जोटा बुट डाली जो चटनी से नड़िया पड़ के से चटनी आम सैड्रे देदेलु तो ये आम रेडी पूरा देसी पिज्जा जोटा कि आप घरे बन पारे बहुत टेस्ट लगे निज निज वे बनवा दरकार ता भितर सब मसाला भी हो जाए देखिपे कि सुंदर देखा जा तो ये घरे बनातु घरे बन कि मत कमेंट्स कहतु ये कमी ये रेसीपीटा मत नानी शिखे तो नानी का रेसीपीटा।